पार्ट ए का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द मोस्ट सूटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स वेब। फर्स्ट का आंसर होगा ऑफ। इंटरलेटेड कॉजेज एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू द सिंपलिस्टिक फॉर्मूला ऑफ वन कॉज। सेकेंड का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन लीडिंग। आगे है टू वन स्पेसिफिक रिजल्ट। एज प्लेयर इन दिस ड्रामा वी कैन ओनली लीड अवर लाइव्स विद द राइट प्रिंसिपल एंड नॉट नोलिंगली। थर्ड क्वेश्चन है टू समथिंग हार्मफुल। थर्ड का आंसर होगा कंट्रीब्यूट्स। Understanding this will make us less prone to deduction when something unexpected. Fourth में option दिए हुए हैं happens, happening, happened, has happened. तो इसका answer होगा A, happens in the pattern of our lives. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फिफ्थ क्वेश्चन है द टेलीफोन डैश सेवरल टाइम बिफोर आई आंसर्ड इट वाज रिंगिंग हैज रंग हैड रंग वुड रिंग। तो फिफ्थ का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन हैड रंग। द टेलीफोन हैड रंग सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, इट्स सरप्राइजिंग दैट फादर ओनली स्कोल्डेड रीना सी डैश हैव बीन पनिश्ड मोर सेवरली फॉर डूइंग व्हाट सी डिड। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन वुड। सी वुड हैव बीन पनिश्ड मोर सेवरली फॉर डूइंग व्हाट सी डिड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेवन एंड एट्थ। द फॉलोइंग फाइव सेंटेंस कम फ्रॉम ए पैराग्राफ। द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस आर गिवन। चूज द राइट ऑर्डर इन विच द थ्री सेंटेंसेस पी क्यू आर शुड अपियर। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है हेलन वाज नॉट नाउ क्वाइट श्योर दैट शी वाज गोइंग टू मिस हर ट्रेन। और सेंटेंस टू थ्री और फोर हमें पता करने इनकी सीक्वेंस। और लास्ट सेंटेंस है हेलन रीच द स्टेशन जस्ट इन टाइम एंड मैनेज टू कैच हर ट्रेन। तो ये तीन सेंटेंस दिए हुए हैं पी क्यू आर, इनकी सीक्वेंस हमें पता करनी है। तो सेवन्थ क्वेश्चन में ये पहले होगा इसमें क्यू। She was wondering that what to do when a bus come into sight going in the direction of station. Helen was quite sure that she was going to miss her train, although she was not very far from the station. तो इसमें अगला सेंटेंस हो गया क्यू। सी वाज वंडरिंग व्हाट टू डू व्हेन ए बस कम इनटू साइट गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेशन। तो आगे क्यू के बाद होगा पी। द बस स्टॉप वाज नॉट फार ऑफ सो हेलन रन टुवर्ड्स द बस विच हैड स्टॉप्ड टू लेट सम पैसेंजर गेट ऑफ। और इसके बाद ये आर वाला सेंटेंस थर्ड होगा द बस कंडक्टर सा हर रनिंग एंड डिड नॉट रिंग द बेल फॉर द बस टू स्टार्ट एंटिल सी हैड गोट ऑन। और इसके बाद लास्ट वाला फिफ्थ सेंटेंस हेलन रीच द स्टेशन जस्ट इन टाइम एंड मैनेज टू कैच हर ट्रेन आफ्टर ऑल। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन क्यू पी आर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एट्थ क्वेश्चन भी इसी तरह का है. वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड द अदर डे आई हैपन टू नोटिस ए स्मॉल ब्राउन लेदर पर्स लाइंग ऑन द पेवलमेंट. सेकेंड थर्ड फोर्थ हमें पता करना है. फिफ्थ है बिफोर आई लेफ्ट द पुलिसमैन मेड ए नोट ऑफ माई नेम एंड एड्रेस इन केस द ओनर ऑफ पर्स वॉन्टेड टू राइट एंड थैंक मी. तो इसमें ये तीन सेंटेंस दिए हुए हैं, इनकी सीक्वेंस पता करते हैं. तो इसमें होगा, पहले आएगा आर आई पिक्ड इट अप एंड ओपन्ड इट टू सी इफ आई कुड फाइंड आउट द ओनर्स नेम. इसके बाद होगा पी देर वॉज नथिंग इन साइड इट एक्सेप्ट सम स्मॉल चेंज एंड रादर ओल्ड फोटोग्राफ ए पिक्चर ऑफ ए वूमेन एंड ए यंग गर्ल अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड हु लुक्ड लाइक ए द वूमेन्स डॉटर. और फिर आखिरी क्यों, I put the photograph back and took the purse to the police station where I handed it to the policeman in charge. Next question hai. Read the passage given below and answer the following question. Ye passage hai, isko video ko pause karke passage ko pad lijiye. तो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. द मेन आइडिया ऑफ द पैसेजेस, आपने पैसेज पढ़ लिया होगा तो इसका आंसर आप कर सकते हैं कमेंट में करके बताइए आंसर इसका. नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन द अपीयरेंस ऑफ हेलिज कॉमेंट. The significance of the war between the Norman Anglo-Saxon was. क्या significance थी. 10th question. First option इसका answer होगा the victory of Norman. आगे बढ़ते हैं 11th question पे. Pick out the idea which is not expressed in the passage. पैसेज में कौन सा आइडिया नहीं एक्सप्रेस किया गया. फर्स्ट ऑप्शन अपीयरेंस ऑफ हेलिज कॉमेंट वाज फर्स्ट मेंशनड, ये पैसेज में आया हुआ है. हेलिज अपीयरेंस इज रिकॉर्डेड इन ऑन द पीस ऑफ क्लोथ, ये शायद नहीं है. हेलिज अपीयरेंस इज आल्सो रिकॉर्डेड ऑन पोट्री, ये था. हेलिज अपीयरेंस लिट अप द स्काई बोथ डे एंड नाइट. तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. ओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12th 12th 13th 14th क्वेश्चन में करना है कि एरर फाइंड करना है हमें सेंटेंस से. तो 12th क्वेश्चन क्या है. 12th क्वेश्चन ईच वन इन द ग्रुप वर गिवन द सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एज दे परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द कंपटीशन. 12th क्वेश्चन इसका आंसर बताइए यदि किसी को पता हो इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट करके बताइए. मेरे विचार में इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बाकी आप बता सकते हैं इसमें मेरा डाउट है. 13th क्वेश्चन देखते हैं. बीइंग ए शॉर्ट वैकेशन विनीता हैड टू रिटर्न विदाउट विजिटिंग मैनी ऑफ द प्लेसेस. थर्ड ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट बीइंग ए शॉर्ट वैकेशन, इसमें एरर है. 14th क्वेश्चन 14th में है. नेवर आई हैव लिसनड टू टू सच ब्यूटिफुल म्यूजिक एज द पीस वी हियर्ड ऑन द रेडियो लास्ट नाइट. तो 14th का आंसर भी फर्स्ट ऑप्शन होगा नेवर आई हैव लिसन, इसमें होना चाहिए था हैव आई नेवर लिसन. तो आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे. 15th क्वेश्चन चूज द वर्ड दैट कैन नॉट बी अपोजिट ऑफ एनी वर्ड गिवन बिलो. 14th क्वेश्चन मिसलेड मिसअंडरस्टैंड मिससेफ मिसफॉर्चून. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन मिसलेड. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17. इनमें है चूज द वर्ड फ्रेज विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग इन द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड. तो व्हाट
16th क्वेश्चन है, वट एवर इज यूनिवर्सल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू वन पर्टिकुलर फॉर्म। तो इसका आंसर होगा, 16th क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, मेड टायर्ड। वट एवर इन यूनिवर्स कैन नॉट बी मेड टायर्ड टू वन पर्टिकुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन में देखते हैं, रवि इज अप टू हिज ईयर्स इन वर्क एंड कैन नॉट पॉसिबली सी यू नाउ। इसका आंसर होगा 17th क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, फुल्ली ऑक्यूपाइड विद, रवि इज फुल्ली ऑक्यूपाइड विद। 18th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन idiom? idiom है मेक नो बोन अबाउट समथिंग। 18th क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, टू स्टेट इफेक्ट सो देर आर नो डाउट और ऑब्जेक्शन। 20th क्वेश्चन में हमें एंटोनियम बताना है, रेलिक्विस का एंटोनियम क्या होगा 19th क्वेश्चन में? इसका होगा पोजेस थर्ड ऑप्शन। और 20th क्वेश्चन में स्पेल करेक्ट किसकी है, 20 क्वेश्चन में सैटेलाइट की स्पेलिंग होगी SATELLITE सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया है पार्ट बी, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड आंसर टाइम इन्होंने दिया है 40 मिनट्स। तो 21st क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन, ए टीचर टू बी इफेक्टिव इन क्लास शुड, ऑप्शन ए इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही स्टार्ट टीचिंग, ऑप्शन बी विच हैव कमांड ओवर हिज हर लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन हैव कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर आप समझ गए होंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल इज, को करिकुलर एक्टिविटीज का से पाठ्यगामी गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ए ऑप्शन इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 23rd क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन ए टीचर शुड टीच बाई। तो फर्स्ट ऑप्शन है गिविंग देम प्रमोट, सेकेंड ऑप्शन फोकसिंग ऑन इजी कंटेंट, थर्ड ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज टेस्टिंग द कंटेंट। तो इसमें 23rd क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, फोकसिंग ऑन इजी कंटेंट। आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन, एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू, फर्स्ट ऑप्शन इंकरेज द स्टूडेंट टू मेक इनिशिएटिव, सेकेंड ऑप्शन रिड्यूस द एंग्जायटी लेवल ऑफ स्टूडेंट टू मॉडरेट लेवल, थर्ड ऑप्शन टू मेक स्टूडेंट फील दैट एजुकेशन इज देयर नीड एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, 24th का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 25th क्वेश्चन है, ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग यू एग्री, एज ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग यू एग्री टू। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चिल्ड्रन, सेकेंड है पनिशमेंट इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू डिसिप्लिन द चाइल्ड एंड थर्ड रिवार्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है कीपिंग पर्सनल टच विद स्टूडेंट इज हेल्पफुल इन डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड। तो इसका आंसर होगा थर्ड, रिवार्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट। 26th क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय प्रोवाइड, ये रूरल एरिया के लिए होते हैं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा
क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज। 27th क्वेश्चन है गेम्स इन स्कूल। फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका मेक स्टूडेंट फिजिकली फिट, सेकंड इट इज हेल्दी पास्ट टाइम, थर्ड डेवलप ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, फोर्थ है कीप स्टूडेंट मेंटली हेल्दी। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, डेवलप ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फिजिकली एंड मेंटल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th क्वेश्चन, इसमें टीचिंग इज एन आइडल प्रोफेशन बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन देयर इज नॉट मच वर्कलोड, सेकंड ऑप्शन देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग एंड ग्रोइंग। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 29th क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू एज ए टीचर इफ स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ब्लेम द स्टूडेंट फॉर देयर एबसेंस, सेकेंड ऑप्शन कीप क्वाइट कोर कंसिडरिंग द प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, थर्ड टीचिंग यूजिंग सम इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, टीचिंग ऑफ थिंक ऑफ यूजिंग सम इंटरेस्टेड मेथड ऑफ टीचिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन, इफ स्टूडेंट बिकेम अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू। फर्स्ट ऑप्शन रश टू द प्रिंसिपल ऑफिस फॉर हेल्प, सेकंड टेलीफोन स्टूडेंट पेरेंट, थर्ड ऑप्शन गिव फर्स्ट एड एंड कॉन्टेक्ट एनी नियर बाई डॉक्टर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है टीचर यूज विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग पैसिव क्विकर कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर होगा इंटरेस्टिंग, करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इंटरेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन टीचर, फर्स्ट ऑप्शन है इन अथॉरिटेशन, सेकंड ऑप्शन इन्वॉल्व स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन यूजेज मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इन्वॉल्व स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33rd क्वेश्चन, स्टूडेंट शुड प्रेफर हु दोज टीचर हु, फर्स्ट डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, सेकंड गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, थर्ड कैन क्लेरिफाई देयर डिफिकल्टीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 33rd का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34th क्वेश्चन, ए चाइल्ड मे हैव लर्निंग हियरिंग, ए चाइल्ड मे हैव हियरिंग इम्पर्टिमेंट इफ ही सी, फर्स्ट ऑप्शन स्पीक यूजुअली लाउड, सेकंड ऑप्शन कम क्लोजर टू द स्पीकर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, थर्ड ऑप्शन जनरली सेज प्लीज रिपीट टू द टीचर, एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए टीचर यूज ऑडियो विजुअल मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू, फर्स्ट ऑप्शन एनहेंस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टीचर, थर्ड ऑप्शन इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 35th का आंसर होगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों की एकाग्रता एवं सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए। 36th क्वेश्चन, इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट ही शी शुड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। 37th क्वेश्चन है, ए डेमोक्रेटेड सोसाइटी इज वन विच, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी फ्रीडम फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, सेकंड ऑप्शन है रिस्पेक्ट द
enlightened individual. Third, I believe in equal educational opportunity to all. So, fourth option इसका correct answer होगा all of the above. Thirty-eighth question. A student is coming late every day for the last 1 week. You will. First option, call his parent and complain. Second option, would not allow student coming. Third option, punish. And fourth option, talk and try to understand the reason coming late. तो इसका fourth answer correct होगा. Fourth option. 39th question है. Which of the following practices will best prevent the spread of illness such as common cold. 39th question. इसमें ऑप्शन पढ़ लीजिए. इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा गिविंग स्टूडेंट हैंडकरचीफ टू कीप देम क्लीन. 40th question. Which of the following is not learned? Attitude, reflexes, interest and habits. ये question बहुत बार पूछा जाता है. इसका answer होगा reflexes, second option. 41th question है. When there is fight among student, a good teacher, first option snub the student rudely, second increase their fight, third listen to their problem carefully and involve them jointly. Fourth, listen to favorite student and point only. तो third इसका correct answer होगा उनकी समस्याओं को सावधानी पूर्वक सुनता है और उन्हें संयुक्त रूप से शामिल करता है. ये अगला क्वेश्चन आ गया. कवरत्ती is capital of. कवरत्ती कहाँ की राजधानी है. कवरत्ती capital है लक्षद्वीप की. 42 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी, थर्ड ऑप्शन लक्षद्वीप. मिड डे मील इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन ये गवर्नमेंट स्कूल में. मिड डे मील दिया जाता है अपर प्राइमरी स्कूल्स में 8th क्लास तक. 44th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 44th क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम पढ़े भारत बढ़े भारत. इसका आंसर होगा अर्ली मैथमेटिक्स. करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन अर्ली मैथमेटिक्स. 45th क्वेश्चन. द प्रोग्राम उड़ान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस ऑन. 45th क्वेश्चन का आंसर होगा गर्ल्स स्टूडेंट्स ओनली. उड़ान कार्यक्रम केवल लड़कियों के लिए. 46th क्वेश्चन. एज पर 2011 सेंसस विच स्टेट इंडिया एज हाईएस्ट लिटरेसी रेट. हाईएस्ट लिटरेसी रेट था केरला का और लोएस्ट लिटरेसी रेट था बिहार का. 47th क्वेश्चन. चिल्ड्रन हु मिसबिहेव इन द स्कूल नीड टू बी. ऑप्शन ए दंडित करने की, ऑप्शन बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन परामर्श देने की, थर्ड ऑप्शन धैर्यपूर्वक व्यक्तिगत रूप से विचार करने की. तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा डेल्ट इंडिविजुअली विद पेशेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन. स्टूडेंट लाइक टीचर हु आर. ये पहले भी आ चुका है इसी तरह का क्वेश्चन. इसका करेक्ट आंसर होगा 48th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सनल प्रॉब्लम. 49th क्वेश्चन है हमारा. ए टीचर वाइल टीचिंग ए विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड अलोंग विद अदर स्टूडेंट्स नीड टू बिहेव इन ए मैनर टू. वीडियो पॉज करके आप ऑप्शन पढ़ लीजिए. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड. अरेंज द सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम विदाउट डिस्टर्बिंग विदाउट मेकिंग एनी अदर स्टूडेंट सफर. तो आखिरी क्वेश्चन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का.
a teacher to ensure maximum participation of student should make use of first lecture method, discussion method, textbook method, audio visual method. तो इसका परिचर्चा विधि discussion method correct answer होगा. ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो चुका है. अब है रीजनिंग एबिलिटी. तो रीजनिंग एबिलिटी सोल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डायग्राम थ्री क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन आर प्रेजेंटेड बाय थ्री फिगर्स. ट्रायंगल है, स्क्वायर और सर्कल. ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है स्कूल टीचर्स को, स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मैरिड टीचर को, और सर्कल रिप्रेजेंट करता है जॉइंट फैमिली को. इसमें पूछा क्या गया है, सो स्टूडेंट टीचर हु आर नाइदर मैरिड नोर डू लिव इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय. जो ना ही मैरिड है, मैरिड टीचर रिप्रेजेंट होते हैं स्क्वायर से, ना ही जो स्क्वायर है स्क्वायर में है, और ना ही जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहने वाले टीचर होते हैं सर्कल, ना ही सर्कल में है ना स्क्वायर में. तो ये है सर्कल, ये स्क्वायर, तो इससे अलग कौन से होंगे, एफ वाले, ये होगा करेक्ट आंसर, एफ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वेन डायग्राम दिए हुए हैं. बाय रेफरिंग द अबोव वेन डायग्राम, बाय रेफरिंग टू द अबोव वेन डायग्राम विच सब्जेक्ट वाज टेकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस में हैं, हर सर्कल के जो स्टूडेंट आर पार्ट को ऐड कर लीजिए, सबसे ज़्यादा वो आंसर होगा. तो इसमें ऐड करते हैं 18, 20, 13, 18, 15, 16, 19. साइंस में सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइंस, ऑप्शन सेकंड साइंस. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53. लंबा क्वेश्चन है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन दी हैं, इसमें बताना है ट्रू है या सही है नहीं है. स्टेटमेंट, सम प्लेयर्स आर एप्पल्स और ऑल एप्पल्स आर बोट. ये वेन डायग्राम बनाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं. ये एक बना दिया मैंने, सम प्लेयर्स आर एप्पल्स, इसमें सर्कल में एप्पल होंगे, और अगला वेन डायग्राम बनाता हूँ मैं दूसरे कलर का, ऑल एप्पल्स आर बोट, इसमें जो ये बोट है इसके अंदर सभी एप्पल्स आ गए, ये था एप्पल, ये बोट हो गया. तो फर्स्ट कंक्लूजन है सम प्लेयर्स आर बोट, ये प्लेयर थे तो ये एप्पल हैं और सभी एप्पल बोट है, तो सम प्लेयर्स आर बोट सही होगा. और नो एप्पल इज प्लेयर, पहले बोला हुआ है इसने सम प्लेयर्स आर एप्पल्स, तो कुछ एप्पल प्लेयर हैं, प्लेयर एप्पल भी होंगे, तो सेकंड वाला गलत है. तो ये कंक्लूजन गलत है, तो इसका आंसर होगा ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मैनी नंबर्स अमंगस्ट द नंबर 11 टू 15 आर देयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 नोट बाय 3. 11 से 50 तक 7 से भाग होने वाले कौन सी संख्या है जो 3 से भाग नहीं होती. 54th क्वेश्चन. तो ये आसान क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर बताऊं मैं, बी सेकंड ऑप्शन 4 नंबर जो 3 से भाग नहीं होती. 14 हो गया, 28,
35 और 49, ये चार नंबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55th क्वेश्चन। चूज द अल्टरनेटिव विच गिव्स द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर द गिवन मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन देखिए, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला ए बी 9 और 12, 21 ऐड करेंगे हम, ये रो को ऐड करेंगे और कॉलम को ऐड करेंगे, उनमें सेम इनका सम होना चाहिए ऐड करने पर। तो इसमें ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, थर्ड फोर्थ ऑप्शन। ए की जगह 9 पुट करेंगे तो हमारा सम हो जाएगा 30, हर रो और हर कॉलम का सम होगा 30। तो आप पुट करके देखते रहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अमंगेस्ट फोर फिगर। हाउ द पैटर्न वुड अपियर व्हेन ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एंड डॉटेड लाइन। ये ट्रांसपेरेंट शीट है, इसको डॉटेड लाइन से फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा। इसको फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आकृति 4 फिगर 4, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फाइंड द नंबर दैट कैन बी टेक प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। इसमें सीरीज दी हुई है एक 12, 8, 14, 6, 16। इसमें दो सीक्वेंस हैं, एक तो है 12, 14, 16 और एक है 8, 6, इससे अगला क्या होगा 4। तो ये आप समझ गए होंगे, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म इज मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द पैटर्न इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसमें सीक्वेंस है 2, 5, 9, क्वेश्चन मार्क 20, 27। तो इसमें दो के अंदर 3 ऐड किया 5 आया, 5 के अंदर 4 ऐड किया तो हमने 9 आया, 9 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। जो ऐड कर रहे हैं वो बढ़ता जाएगा, 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में के अंदर 4, फिर 9 के अंदर 5 ऐड करेंगे, 9 + 5 = 14, 14 के अंदर 6 ऐड किया 20, 20 के अंदर 7 ऐड किया 27। इसी तरह ये करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ये अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन बहुत, रेड को हम एक कोड के अंदर लिखते हैं ये साइन, आर की जगह है परसेंटेज, ए की जगह है ये, इसी तरह राइप को लिखते हैं ये, तो डियर को क्या लिखेंगे देखते हैं। डी, डी की जगह था डॉलर वाला साइन, डॉलर वाला साइन ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ में है। ई, ई की जगह है हमारा राइट में ई था, ई की जगह कॉपीराइट वाला साइन, तो कॉपीराइट वाला साइन इसमें है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी भी देख लेते हैं, ए, ए की जगह था हमारा हैज़ वाला साइन तो ये हैज़, और आर की जगह परसेंटेज वाला साइन, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं 60वां क्वेश्चन ये, इसमें हमें करेक्ट बताना है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर। इनसे कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म हो सकता। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड एजेंसी। इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, तो एजेंसी इससे फॉर्म नहीं हो सकता, बाकी सारे वर्ड इससे फॉर्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर क्वेश्चन मार्क निकालना हमें ये, तो इसमें दिया हुआ है पहले के अंदर देखते हैं क्या करेंगे हम। बीच वाला है ये कैसे आया, 4 कैसे आया इसमें, जो इनको दोनों को ऐड करेंगे 6 और 6 को, और
इनको वर्टिकल्स को भी ऐड करेंगे, 2 और 3 को, 6 6 12, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह अगले में सेवन प्लस टू नाइन, नाइन को डिवाइड करेंगे किससे, 8 प्लस 1 नाइन से, तो इसका आएगा 1। इसी तरह 7 प्लस 3 10, और 4 प्लस 1 5, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन थर्ड 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इक्वल टू सम ऑफ इट्स प्रॉपर पॉजिटिव डिवीजर, दैट इज द सम ऑफ इट्स, फॉर एग्जांपल 6 इज परफेक्ट नंबर बिकॉज प्रॉपर डिवीजर ऑफ 1 2 3। इसी तरह इनमें से बताना कौन सा 6 की तरह है जो उसके डिवीजर का सम के इक्वल है, तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन 28। कैसे होगा, इसके डिवीजर होंगे 14 प्लस 14 प्लस 7 तो इसमें होगा 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। इसी तरह ये इसके डिवीजर है, इनको ऐड करेंगे तो 28 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63rd क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट लेटर पेयर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन इन द आंसर ए बी सी डी। ये है पहला डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ई एफ जी एच, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड से पहले वाले लेटर्स। 63rd का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन एस टी यू वी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोशन इज सर्टेन कोड रिटन एज क्यू एस पी 89, तो डिमोशन का क्या कोड होगा। यहाँ पे देखते हैं हम, प्रो का कोड है क्यू एस पी और मोशन का कोड है 89। P से अगला लेटर है Q, R से अगला लेटर है S और O से अगला लेटर है P। इसी तरह 89 मोशन के लिए है, तो डी मोशन में DE का कोड निकालना हमें, मोशन के लिए है 89। तो D से अगला लेटर A B C D E, E और तो इसमें है ये वाला ऑप्शन, E से अगला F 89 मोशन के लिए, तो ऑप्शन थर्ड 64 का ऑप्शन थर्ड, सॉरी 64 क्वेश्चन का आंसर सी ई एफ डी ई, ई की जगह एफ 89। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर चूज द नंबर ऑफ गिवन रीजन विच रिप्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर हु आर नॉट एम्प्लॉयड इन यून, हमें यूनियन मेंबर निकालने हैं। इन द फॉलोइंग फिगर चूज द नंबर ऑफ द रीजन विच रिप्रेजेंट यूनियन मेंबर हु आर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड नॉट आर हार्ड वर्किंग, वो जो फैक्ट्री में काम करते हैं यूनियन के मेंबर हैं और हार्ड वर्किंग नहीं हैं। यूनियन के मेंबर है सर्कल के अंदर और फैक्ट्री में काम करते ट्राइंगल के अंदर, लेकिन हार्ड वर्किंग हैं ये वाले, तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये वाला जो हार्ड वर्किंग नहीं है, हार्ड तो 7 वर्कर हैं जो हार्ड वर्किंग नहीं है, तो इसका आंसर होगा 7। कौन सा ऑप्शन है ये देखते हैं, ऑप्शन 4th इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन हमारा इन द फॉलोइंग, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 3 स्टेटमेंट जो पहले आया था उसी तरह का है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो वेन डायग्राम बनाएंगे इसमें
पहले बनाते सम टेक्स्ट बुक आर गाइड्स, ये टेक्स्ट बुक हैं और ये ब्लैक कलर से गाइड्स हैं, जो बीच में इंटरसेक्शन है इन दोनों का, ये दोनों कुछ ये टेक्स्ट बुक भी हैं और गाइड भी हैं। और इसके बाद हैं अगला स्टेटमेंट है कि नो डिक्शनरी इज टेक्स्ट बुक, और अगला है सम गाइड्स आर डिक्शनरीज, कोई डिक्शनरी टेक्स्ट बुक नहीं है, ये डिक्शनरी है, ग्रीन वाली डिक्शनरी। और ये तो इसमें कंक्लूजन पढ़ेंगे हम, कंक्लूजन फर्स्ट, सम गाइड्स आर नॉट टेक्स्ट बुक, सम गाइड्स आर टेक्स्ट बुक और सम गाइड्स आर नॉट टेक्स्ट बुक, तो ये करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, ऑल गाइड्स आर ईदर टेक्स्ट बुक और डिक्शनरी, नहीं, कुछ स्पेस ये जो ना ही डिक्शनरी है ना टेक्स्ट बुक है, तो सेकेंड गलत है। थर्ड ऑप्शन है सम गाइड्स आर बोथ टेक्स्ट बुक एंड डिक्शनरीज, बोथ भी नहीं है लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि कोई डिक्शनरी टेक्स्ट बुक नहीं है, तो ये थर्ड भी गलत है। और ऑल गाइड्स आर टेक्स्ट बुक, ये भी गलत है, तो केवल फर्स्ट वाला सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन फॉलोज, केवल पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67th क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्क्वेयर इन द फॉलोइंग फिगर, इसमें कितने स्क्वेयर हैं। तो 9 स्क्वेयर हमें दिख रहे हैं, 9 पार्ट हैं, एक ये पूरा है, 10 और ऐसे करके ये 4 स्क्वेयर बन जाते हैं, ऐसे 10 4 14, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 14। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट ए इज मदर ऑफ बी, सी इज सन ऑफ ए, डी इज ब्रदर ऑफ ई इज डॉटर ऑफ बी, तो ग्रैंड मदर ऑफ डी, इसलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं कैसे, ए मदर ऑफ बी, हम जो मदर फादर है उसको अलग लेवल पे लिखेंगे और जो ब्रदर सिस्टर है उसको सेम लेवल पे लिखेंगे। ए है मदर, तो ये ए ऊपर लेवल पे, बी की मदर है, मदर ऑफ बी, तो बी यहाँ पे लिखेंगे हम, ऊपर है वो बड़ा नीचे छोटा। सी इज सन ऑफ ए, सी है वो ए का सन है, तो इसके साथ में होगा सी। डी इज ब्रदर ऑफ ई, और ई इज डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर है ई, और ई का ब्रदर है डी, तो ये एक लेवल पे। अब हमें डी की ग्रैंड मदर देखनी है, ये इनके मदर फादर या अंकल आंटी होंगी ऊपर लेवल, और सब ग्रैंड लेवल पे हैं ए, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट ए ग्रैंड मदर होगी ए, 68th का आंसर है ए। 69th, इफ मिरर एम एन, ये मिरर है, ये दो एरो हैं, इसकी मिरर इमेज बतानी हमें, तो दोनों एरो मिरर की तरफ है, एक एरो ऊपर है एक एरो नीचे की, जो बीच में से इंटरेक्ट कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 69th क्वेश्चन का सी ऑप्शन, देख रहे हैं आप उसी तरह हैं जिस तरह वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंटीन्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, मून एक सैटेलाइट है तो अर्थ क्या होगा, अर्थ है प्लेनेट, तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ग्रह है। सेवेंटी वंथ क्वेश्चन, इफ पी डिनोट्स, ये पी डिनोट करता है डिवाइड वाला साइन, क्या यू डिनोट करता है मल्टीप्लाई, आर डिनोट करता है प्लस, एस डिनोट करता है, तो इसमें हम पहले वो लिख लेंगे कि क्या यू क्या है और बोर्ड मास से सोल्व कर देंगे, क्या यू डिनोट करता है मल्टीप्लाई, तो ये होगा मल्टीप्लाई, और पी की जगह हमने डिवाइड कर लिया, ये हो गया डिवाइड, आर की जगह होगा प्लस, और ये होगा माइनस। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, पहले डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, इसकी जगह 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 54 54 + 5 - 6 53, आंसर विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड 53, 71 का
बी ऑप्शन। 72 क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वूमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, वो जो जिसकी तरफ इशारा कर रही है वो क्या लगती है महिला की, इसको आप अपने आप से रिलेट करके देखेंगे तो ये आप सोल्व कर पाएंगे कि ये जैसे कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यहाँ से देखेंगे मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यदि आप कोई महिला है आपकी माँ की इकलौती पुत्री तो आप खुद होंगी, और उसकी माँ मतलब कि किसकी माँ हो आप, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की माँ हो तो वो महिला अपनी पुत्री की तरफ इशारा करे कि जो बेटी है मैं उसकी माँ है, उसकी माँ खुद है, वो अपनी माँ की इकलौती पुत्री है, तो अपनी पुत्री अपनी डॉटर की तरफ इशारा करके बता रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 73 क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज, एक स्क्वायर है उसका पैरामीटर है 120 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर है, तो एक साइड कितनी होगी डिवाइड बाय 4, 30 सेंटीमीटर की एक साइड होगी, तो जो उसके अंदर स्क्वायर के अंदर वो बनेगा सर्कल, उसका रेडियस होगी एक साइड इतनी है तो उतना उसका डायमीटर हो जाएगा, तो 15 उसकी, तो उसका एरिया निकालना है सर्कल का हमें, तो पाई आर स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 73 का। पाई आर स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन, पाई आर है 15 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 74th क्वेश्चन, ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, और कंक्लूजन ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गलत है ये क्वेश्चन, ये कंक्लूजन कि जो हेल्दी है, बताया गया कि मॉर्निंग वॉक अच्छी होती है हेल्थ के लिए, लेकिन ये नहीं बताया, ये नहीं स्टेटमेंट है कि सभी जाते ही हैं, जो नहीं जाते वो भी हेल्दी हैं, और सेकंड इवनिंग वॉक इज है हार्मफुल, तो दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही इनकरेक्ट हैं सॉरी, तो इसका आंसर होगा नाइदर वन नोर टू फॉलोज, दोनों कंक्लूजन गलत हैं। 75th क्वेश्चन, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे व्हाट विल व्हेन विल बी संडे, यदि कल डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों थर्सडे है तो संडे कब होगा, आज शनिवार है परसों बृहस्पतिवार था तो टुमारो विल बी संडे, यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरा बताया हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। फाइंड द मिसिंग, ये सीक्वेंस दी हुई है वो, इसमें देखते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या अलग अलग सीक्वेंस है, ऊपर है और नंबर और नीचे हैं, उनके डबल होते हैं, ऊपर 1, 3, 5, 7 तो अगला होगा 9 और नीचे हैं 16 का डबल होगा 32, 9 by 32, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। 77th क्वेश्चन, चूज द ओड पेयर ऑफ वर्ड, जो इनमें अलग है, इजी डिफिकल्ट ब्रेव कॉवर्ड एंड बिगिनिंग और वाइट डर्टी इज द रॉन्ग आंसर, वाइट भी डर्टी हो सकता है। यदि टीचर को, 78th क्वेश्चन है, इफ टीचर इज कोडेड एज LMKJNMP और तो हर्ट को कैसे वो किया जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम H की जगह है N, तो हर्ट में H की जगह होगा N, तो हम इसको पीछे से देखते हैं, टी टीचर के लिए टी, टी है L, तो L सभी में L है पीछे, R R R के जगह था P, तो P इसमें सेकंड और फर्स्ट और इसमें है P, इन दोनों में से हो सकता है, A A के लिए है यहाँ पे कोड K, तो इसमें है K, तो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अलका इज ओल्डर देन माया माला, गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका,
Kapil is younger than Ram and Mala, and Mala is older than Ram, who is the youngest among Mala, Ram, Alka and Kapil. इसको भी हमने जैसे वो रिलेशन वाला किया था उसी तरह करेंगे कि गोपाल है वो बड़ा है ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका, मत यहाँ पे अलका बड़ी है और गोपाल उसे छोटा है। दोबारा से सबसे बड़ी अलका, फिर है गोपाल और कपिल, माला माला, अब है यंगर देन अलका। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। कपिल है वो राम और माला से बड़ा है और माला इज ओल्डर देन राम, माला बड़ी है राम से, तो माला के नीचे राम और कपिल उससे भी नीचे। तो इसमें ये सीक्वेंस बन गई हमारी, उसमें बताने यंगेस्ट कौन सा है, कपिल देख पा रहे हैं आप, इस तरह आप बना के करेंगे तो आसान होगा। कपिल इज द यंगेस्ट। आखिरी क्वेश्चन है, कबीर वॉक्ड 30 टुवर्ड्स ईस्ट, टुक राइट टर्न एंड वॉक 40 meters, 30 ईस्ट की तरफ चला और फिर 40 राइट टर्न लेके 40 चला, वो टर्न हमें डायरेक्शन बतानी है, तो ये है ईस्ट, डायरेक्शन नोट कर लेंगे ऊपर ईस्ट, राइट की तरफ ईस्ट में जाके राइट की तरफ मुड़ेगा तो वो हो जाएगा साउथ की तरफ, और देन ही टुक द टर्न लेफ्ट 30 meters, वो लेफ्ट 30 meters चलता है फिर, तो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ, एक तरफ साउथ है एक तरफ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा वो। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने किया 2017 का क्वेश्चन पेपर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट में बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।